हेलो बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को मैं तुम सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर पढ़ेंगे चूहों की चौकड़ी का बच्चा हुआ अध्याय। तो देखो, तो बड़े सज्जन तो कुछ सामान लेकर रेलगाड़ी में जा रहे थे और दो हंडियामी लेकर जा रहे, जिसके भीतर रसगुल्ले भरती थी और पोटली में कुछ रसीले आम, पक्के रसीले आम भी लेकर जा रहे थे। तो उसको सब बच्चे खा गए। तो देखो, फिर हम चर्चा करेंगे। सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, भारी भूख हो गई, भारी भूल हो गई। सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, भारी भूल हो गई। मुझे अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए कुछ और ले आता, तो सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा। भद्र व्यक्ति जनक हसीकिरी कहिले, भारी भूल हो गई, बहुत भूल हुई गला, भूल हो गई। मुझे अगर मालूम होता कि मते जदि जना पड़ी थांता, गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है, जे गाड़ी रे मूषा माने भर्ती होई छंती, तो मैं उनके लिए कुछ और ले आता, मुताको पे आउ किछि आनी थांती। तो मुस्कुराते का अर्थ है हसी करी कहिबा। अगर कहले जदि चूहा, तो तुम जानते हो मूषा, तो चूहों से भरी पड़ी है, अर्थात तो मूषा माने भर्ती होती, गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है, अर्थात तो गाड़ी रे मूषा माने भर्ती होती, तो मैं उनके लिए और ले आता, मुताको पे आऊ आनी थांती। सज्जन को मुस्कुराते देख बच्चे झेप कर चुप हो गए। सज्जन को मुस्कुराते देख बच्चे झेप कर चुप हो गए। झेप कर कहले लाजरे, चुप हो गए, अने चुप ही गले। मन में सोचने लगे, ये नाराज हो जाते तो मज्जा आता। पिला मने चिंता कले, ये यदि नाराज ही जानती तो हमको आहुरी मजा आसी थांता। अगला स्टेशन आ गया अनुगुल। फिर संबलपुर के बाद अगला स्टेशन आ गया अनुगुल। तब सज्जन बोले, ठीक है, अब मैं इस डिब्बे से निकलकर दूसरे में चला जाता हूं। तो सज्जन ने बोले, ठीक है, अब मैं इस डिब्बे से निकलकर दूसरे में चला जाता हूं। से कहले, मु ए डब्बारू बाहरी करी ओल्ह करी मु आउ गोटे डब्बा को पड़े जाऊ। तुम लोग बहुत मस्ती करो, तुम्हें माने हंस कुछी करो, मजा करो, तुम्हें अब कष्ट नहीं दूंगा, मु तुम मान कहो एबे आउ कष्ट देबी नहीं। लड़कों ने फौरन कहा, कहले जल्दी बा चंचल कहीपर बा शीघ्र कहीपर, शीघ्र बा तुरंत। फौरन कहा, नहीं नहीं बाबा, ना ना बाबा, हमें क्या कष्ट है, आम मानकर कौन कष्ट, आप बैठिए ना, आपण बसंतु ना, आप बैठिए। तो देखो, ये संबोधन है, जो हमारे गुरुजन होंगे, जो हमारे हमसे जो बड़े होते हैं, उनको ऐसे संबोधन किया जाएगा, आप बैठिए, कि आप आइए, आप सुनिए, आप खाइए। तो ये सम्मानस्पद वाक्य है, हमारे साथ आप इस डिब्बे में चलिए, हमारे साथ आप इस डिब्बे में चलिए,
इस डिब्बे में का अर्थ है यही डब्बारे चलंतु। हम सब आपके सामानों का चौकसी से पहरा देंगे, हम सब आपके सामानों का चौकसी, चौकस का अर्थ सतर्क व कड़ा पहरा। सतर्क पहरा हमें दब, चूह कुछ नहीं कर पाएंगे, मूसा माने किछे करी परिवे नहीं। अभी डिब्बे के सामने एक ठेला आ गया, तले रेलगाड़ी जो रहला अनुगुल स्टेशन रे, से स्टेशन पाखरे गोटे गाड़ी आसी गला, ठेला ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी जान पे मैंने से जो जलखिया सब लोक मैंने बिक्री करते गाड़ी जिते बड़े स्टेशन रुहे से विभिन्न प्रकार जलखिया कि बिस्कुट कि फल ये सब बिक्री करती। तो ठेला वाला चिल्ला रहा था, ठेला वाला चित्कार करूला बड़ पार्टी रे कहूला गर्म गर्म समोसे, गर्म गर्म समोसे, समोसे के जानते हो समोसे, गर्म गर्म समोसे पहले सिंगड़ा, बाबा ने उसे पास बुलाया, समय से वाला को बाबा ने पास बुलाया, ताले सी सिंगड़ा वाला को बाबा बाबा सज्जन जनक निकट को डाकिले, लड़कों से बोले एवं पिलामानों को कहले देखो चूहे समोसे खाते हैं कि नहीं, देखा जाऊ मूसा माने सिंगड़ा खाउछंती कि नहीं। ठेले वाले से कहा, से ठेला गाड़ी वाला को कहले हर बच्चे को दो दो समोसे दो, हर बच्चे को कितने कितने समोसे दो, दो दो समोसे दो प्रति बच्चा को, हर बच्चे को का अर्थ प्रति पिला को दी दीटा सिंगड़ा दियो। लड़के बड़े खुश हुए, पिला माने बहुत खुशी हेले, सब खुशी से समोसे खाने लगे, समस्ते खुशी रे कौन कले ना से सिंगड़ा को खाइबा के लगे। समोसे खाते खाते लड़कों ने पूछा हाँ सिंगड़ा खाऊ खाऊ, पिला माने हटू पचारे बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, अपन केउठाकू जाउछंती, मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, मुँ रोजगार तलाश रे जाउछी, तलाश का अर्थ खोजिबा। बा अनुसरण करिबा जोटा कह जाए, मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ माने बाहरी पड़ती निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा, जो उठे काम मत मिल मुठे कौन करी उतर पड़ूंगा ओले पड़ी। बुढ़े सज्जन ने कहा, से भद्रवती जन कहले, लड़कों ने फिर पूछा आप क्या क्या आप क्या काम जानते हैं, तो लड़कों ने फिर पूछा का अर्थ क्या है, पुणी पचारे आप क्या काम जानते हैं, आपण कौन काम जानी। तो बच्चों आज ये जो कठिन शब्द है झेल लाजरे फौरन शीघ्र तुरंत चौकसी सतर्क ठेला ठेला गाड़ी तलाश कुजीवा समोसे, समोसे का अर्थ सिंगड़ा। तो हर बच्चे को कितने कितने समोसे दिए गए, हर बच्चे को दो दो समोसे दिए गए। किस स्टेशन पर ठेला आया, अनुगुल स्टेशन पर ठेला आया, ये सवाल का जवाब हमको मिल गया। तो और कुछ परसर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, दो तीन परसर्ग का मैं बता रहा हूँ तुमको। तो देखो परसर्ग, विभक्ति, परसर्ग का अर्थ है विभक्ति। तो देखो
का, के और की, ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, गर्मी ड्यास छुट्टियां, गर्मी ड्यास छुट्टियां, ऊन ड्यास नाम, ऊन ड्यास नाम, पेड़ों ड्यास झुरमुट, तो ये परसर्ग लगेगा। देखो, गर्मी हम यहां लगाएंगे कि गर्मी की छुट्टियां, तो उनका नाम का लगेगा, पेड़ों की झुरमुट। देखो, पेड़ों के झुरमुट, पेड़ों की झुरमुट नहीं, पेड़ों के झुरमुट। तो देखो, ये जो का है, एक विभक्ति है का, परसर्ग है, ये छठी विभक्ति है, का स्त्रीलिंग होगा की, का और उसका स्त्रीलिंग की, ये स्त्रीलिंग में हुआ जाएगा। का स्त्री, और का बहुवचन होगा के, का उसका बहुवचन होगा के। वैसे रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब कारक है, छठी विभक्ति का कारक है। बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ ये पाठ तुम्हारे लिए बहुत लाभप्रद बनेगा। आज इतना ही है। धन्यवाद।